फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्ची हल्दी की सब्जी। इसे बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है, आज हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। अगर आप इस तरह से कच्ची हल्दी की सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। ये कच्ची हल्दी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल मटर पनीर की सब्जी की तरह। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये टेस्टी कच्ची हल्दी की सब्जी बनाना। कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ ये 300 ग्राम कच्ची हल्दी ली है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से पील कर लेंगे। सभी हल्दी को हम इसी तरह से अच्छे से पील कर लेंगे। ये देखिए, सभी हल्दी को मैंने अच्छे से पील कर लिया है। अब हम हल्दी को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, हल्दी को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। गैस पर कढ़ाई ली है मैंने, यहाँ नॉर्मल कढ़ाई का यूज किया है। आप इसकी जगह नॉनस्टिक कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। देसी घी में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये कच्ची हल्दी की सब्जी हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें कद्दूकस की हुई हल्दी डाल देंगे। इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। आप चाहें तो इसमें और घी का भी यूज कर सकते हैं। हल्दी के काफ़ी फायदे होते हैं। ये हमारे शरीर को गर्म रखती है और हमारे शरीर को ताकत भी देती है, इसलिए सर्दियों में हमें इसे 1 से 2 बार बनाकर जरूर खाना चाहिए। हल्दी हमारे शरीर के हर तरह के दर्द को भी दूर कर देती है। दोस्तों, इस सर्दी आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। हल्दी को हमें लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे और इसका हल्का कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्दी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्दी हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। हल्दी ने घी भी छोड़ दिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में आगे की प्रोसेस करते हैं। इसके लिए मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। आप इसकी जगह घी या रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 2 तेज़पत्ता लिया है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 5 से 7 काली मिर्च ली है और 2 लौंग ली है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा। मसालों को हम चटकने देंगे। तेल यहाँ मीडियम गरम है। मसाले अच्छे से चटक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। लहसुन से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। साथ ही मैंने डाल दिया है 2 बारीक कटे हुए प्याज। सभी चीज़ों को हम लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब मैंने यहाँ 2 से 3 कुटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर भून लेंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मैं यहाँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डाल रही हूँ। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मसालों को अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को मैंने यहाँ अच्छे से भून लिया है। मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 300 ग्राम दही। मैंने यहाँ दही को फेंट कर यूज़ किया है। आप दही की जगह छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे, दही डालने के बाद हमें इसे गोल गोल घुमाते हुए लगातार चलाते रहना है। बीच में बिल्कुल नहीं रुकना है, वरना दही फट जाएगा। फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है।
ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक गई है, तेल जो है वो दही के ऊपर आ गया है, मतलब ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। मैंने यहाँ 300 ग्राम ही मटर का यूज़ किया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। दो से तीन मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, जिसे हमने पहले ही भूनकर रख लिया था। हल्दी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी डालने के बाद सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। कच्ची हल्दी की ये सब्जी हेल्दी होने के साथ साथ टेस्ट में भी बहुत ही टेस्टी होती है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें हल्का सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इस गर्मा गर्म हल्दी की सब्जी को एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसानी से ये टेस्टी एंड हल्दी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये लीजिए फ्रेंड्स, खाइए गर्मा गर्म। तो इस सर्दी आप इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। आज अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इस रेसिपी को अपने घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।